हिंदू राष्ट्र बन रहा है, कौन कहता है हिंदू राष्ट्र बन रहा है? हिंदू धर्म को मजबूत कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत ये है कि ये सब झूठा है, हिंदू धर्म। हाँ, हिंदू धर्म सब झूठा है। सब धर्म हिंदू धर्म से बने, और हिंदू धर्म से बने सब, बुद्ध धर्म से बने, सनातन से बने सब। हाँ, सनातन धर्म ये तो आप अपनी बात कह रहे हैं, और लेकिन जो पहला इंडिया में बौद्ध धर्म था, अशोक के जमाने पूरे इंडिया में बौद्ध धर्म था, और यहीं से विदेशों को गया। हम बहुत आगे थे, हमारा जो है हर चीज़ बहुत आगे था, और जिक्र तो होता नहीं है। अब जिक्र तो जब इतना जो है, ये तो बाबा साहब आ गए, उन्होंने जो है इसे नए पौधे को फिर दोबारा से जो है सींचा है। किसी कमी मानते हैं कि बौद्ध धर्म लुप्त होता जा रहा है भारत में धीरे धीरे, ये अब आप देख रहे हो। चलो आपकी निगाह में ऐसा होगा, लेकिन वैसा आप जो है, हम आपसे कह रहे हैं ये धीरे धीरे विकास इसका हो रहा है। ये हैं कितने, ये मुट्ठी भर है, ये चालाकी चतुराई से। हम लोग ये नहीं चाहते कि हमारे देश का विनाश हो, है ना, हमारे देश का विनाश हो हम नहीं चाहते। और ये तो मक्कार इतने तुले हुए हैं, हराम का इन्होंने खाया है। किसने? हिंदुओं ने, जिनके हाथ में शासन चल रहा है, जिनके विचार कुष्ट हैं। अब हमें हिंदुओं ने पे गर्व है, सब नारे लगाए जा रहे हैं। हाँ, हिंदुओं पर गर्व तो बहुत है, है ना। वो हिंदू हिंदू को मानते कहाँ हैं? दलित वर्ग को ये हिंदू ही नहीं मानते। अब बताओ, ये हिंदू ये जो है आप वो, चलो वो तो क्या नाम, अखिलेश जब हटा, अखिलेश कुर्सी पे से हटा, तो उसके मकान को गंगा जल से धोया गया। कैसे, यहाँ ये शूद्र ने शासन किया है, तो इनके इतने बुरे विचार हैं। वो सफाई तो करनी पड़ती है ना घर की। अरे सफाई करनी पड़ती है तो चलो, सफाई तो अलग चीज़ है। वो गंगा जल से इसलिए जो है वो खबर मिली, हम कोई झूठ थोड़े ही बोल रहे हैं, ये अखबारों में आई। पवित्र है ना गंगा जल? हाँ पवित्र। बताओ उसमें क्या विषय है? तो पानी जी, पानी है, गंगा पानी है। अब जिसमें गंगा नहीं बहती जिस देश में, और वहाँ आदमी जिंदा ही नहीं रहते। मोदी जी कहते हैं गंगा माँ ने बुलाया। हाँ हाँ, गंगा माँ ने बुलाया तो माँ उनकी होगी। हाँ। हमारे लिए तो एक नदी है, गंगा की आरती हो रही है। हाँ, आरती करो। वो ऐसी चीज तो मानते हैं, उनके और पास तो कुछ है नहीं। के कभी तो जो है नदी को देवता मानते हैं, कभी पहाड़ी को मान लेते हैं, कभी पत्थरों को पूजते हैं, उनके तरीके। अब वो अलग से ही, जबकि सत्य है ना उसमें। हाँ, सत्य बात को वो मानते ही नहीं। बताओ इसमें अब कोई चीज हो, इनका कोई भी अगर कोई सत्यता हो तो आप बताएं कि उस चीज में सब सत्यता है। अब आपने देखा स्वर्ग नरक की बात करते हैं ये, है ना, स्वर्ग नरक ये जो है इनके बाप दादे देख आए होंगे, है ना। तो वहाँ पे ऐसा नरक है, ऐसा स्वर्ग है। अभी तक देखो किसी भी दलित को, बहुत से गांव में उसे अगर घोड़ी पर लड़का चढ़ जाए तो उसे पैर पकड़ के खींच लेते हैं, उसमें माल लगाते हैं कि ये तो हमारा साधन है ना भाई। तो धर्म में ग्रंथों में लिख रहा है ना, मनुस्मृति में सब ये बात। हाँ, मनुस्मृति तो उनका है ही, हिसाब किताब। तो धर्म की बात मान रहे हैं वो। हाँ, तो हम उसे माने जाए तो हमारा मान सम्मान कहाँ रहा भाई? किताब है मनुस्मृति। हाँ, उनकी उनके लिए होगी। हम तो भगवान बुद्ध को जो है उनकी उनके साहित्य को ही पवित्र मानते हैं, जो देश विदेश मानते हैं भाई। यही बात को जो है आप जो है चुनाव करवा लो के कौन की बात में सत्यता ज़्यादा है। और ये थोड़े से आदमी मुट्ठी भर 10% और चूतिया बना रहे हैं। सर देश में राज कर रहे हैं वो। हाँ, देश में शासन कर रहे हैं। तो ऐसा है बंधु, ये ज़्यादा दिन नहीं, इन्हें जो है अगर ये ज़्यादा कुकर्म पे उतर आए, ज़्यादा कुकर्म पे उतर आए तो इन्हें देश में जीना भाई हो जाएगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। देश मजबूत हो गया सर। हाँ, बड़ा मजबूत होगा। मंदिर बन रहा है। अब मजबूत होगा, वहाँ से जो है चीन पे सड़क बनवा दी है पाकिस्तान को इन्होंने, है ना। हाँ। वो आपको जो है शायद पता हो या ना पता हो, है ना। अच्छा सर, हिंदू धर्म से क्या दिक्कत होगी आपको? दिक्कत जब हिंदू धर्म हमको इंसान ही नहीं मानता तो बता, हमें पूरी दिक्कत है उससे। पुराना धर्म है हिंदू धर्म। अब होएगा जो सनातनी धर्म, हम तो नहीं मानते। जब बाबा साहब समाप्त हो रहे हो। हाँ, धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं।
आप कैसी बात कर रहे हैं, हम बहुत बहुत बड़े मजबूत हो रहे हैं। अब ये है कि हम तो धीरे धीरे यात्राओं में सब लोग चल रहे हैं। अरे आप और ये हिंदू, इन्हें हमारे पास आना पड़ेगा। हिंदू हैं कहाँ बंदे जी? हाँ, ये जो है हिंदू राष्ट्र थोड़ा ही है, ये तो बौद्धिस्टों का अखंड भारत या ये। अरे जब जब यहाँ अंग्रेज नहीं रहे, मुसलमान नहीं रहे, तो रहेंगे तो ये तो मुट्ठी भरे, उनकी तो जनसंख्या बहुत ज्यादा। मुगलों के नाम खत्म करे जा रहे हैं ना, देखो मुगलों की जो है। चलो ऐसा है, अभी थोड़ा लोग वाग जो है, हम ये चाहते हैं कि देश में भाई जो है इस तरह से जो है हमारे हिंदू जो है ये धीरे धीरे हमें मिल जाए और ये हमारे साथ आ जाए, हमारे साथ अन्याय छोड़ दें। और वरना हम मुसलमानों के साथ हो जाए तो इनकी औकात यहाँ पर भी नहीं है। भंते जी, देश में हिंदू राष्ट्र की बात शुरू हो गई है, कहीं जिक्र नहीं होता गौतम बुद्ध का, बौद्ध धर्म का। हाँ, ये तो आप बात सही कह रहे हैं। जो आदमी जिस वर्ग में रहता है और उसे अपनी बात अच्छी लगती है, हम बौद्धिस्ट। चलो पहले ये जो है धर्म तरीका जीने का जो गौतम बुद्ध ने तैयार किया था, वो धीरे धीरे इन लोगों ने, आर्य लोगों ने ख़त्म कर दिया, पर हमारे अनुयायी बाहर तक चले गए। चलो ये इंडिया में ये हमें दबा भी लें या हमारा नेश नाबूद पहले की तरह हमारा कत्लेआम कर भी दें, लेकिन हमारे पंजे बाहर बहुत हैं। अब हम तो ये नहीं चाहते कि पूरे देश का विनाश हो। लेकिन मोदी जी बाहर जाते हैं दूसरे देशों में, हाँ, तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। ये तो इनके कहने और करने में बड़ा अंतर है। ये कहते कुछ है और करते कुछ है। जैसा कि अब कोई भी ये जो है कोई भी कानून, सब जितने भी इनके कारनामे हैं, काले कारनामे हैं, सब बहुजन के अहित में ही चल रहे हैं। क्या अधिकारों को ख़त्म कर दिया और संविधान में जो तौर तरीके जो आप अपना नौकरियों के पैसे को हम देख रहे हैं, तो इन्होंने उसे जो ख़त्म करके अपने अपने तरीके से ये लागू कर रहे हैं। हमने तो ये जो है उसमें न्याय विभाग में, न्यायपालिका में आप देखिए, वहाँ पे ST SC और उसका, हाँ, OBC, इसका कोई भी आदमी उनमें इन्होंने नहीं छोड़ा है। काबिल नहीं है जज बनने के वो ST, वो जात, आप कैसी बात कर रहे हो, काबिल इनसे ज़्यादा काबिल हैं ST SC दलित। कोई भी आदमी ये समझे कि ये हम इनके बारे ये एक भी मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अधिकार तो आरक्षण के दम पे आकर जा रहे हैं। हाँ, आरक्षण के दम पे नहीं, इन पे जो है ये पुराना इन्होंने जो जमीन जायदाद पहले अधिकार जो जमा रखे हैं उसके बल पे, और वो सर मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, इसलिए आगे पहुँच रहे हैं। हाँ, ये तो बात जो है आप जो है आपकी निगाह में होएगा, मेरी निगाह में तो नहीं है कि इतने ये कर्तव्य हों। ये SC ST बन गए वो। हाँ, जज तो बन गए हैं। हमने देखा कि मुसलमानी जब शासन आया, वो सब जो है सभी जो है ये मुसलमान उस वक्त जज थे, है ना। अब इनका प्रभाव है, अब ये सब जज है। अच्छा। और ST SC, चलो हम ये जो है हमें कब तक दबाएंगे। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आपका स्थान क्या होगा उसमें? जो अगर हिंदू राष्ट्र, पहली बात तो ये कि मैं ऐसे सपने नहीं देख रहा हूँ, है ना, कि ये हिंदू राष्ट्र घोषित कर ले। बाबा तो कह रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री अकेला है ना, उसने धीरेंद्र शास्त्री हो और कोई शास्त्री हो, है ना, उसने अपना बल तो देखा है। बहुजन कह रहे हैं कि हनुमान की सिद्धि कर रखी है उसने। हाँ, वो तो ये जो है ये जो है ऐसी बातों में विश्वास करते हैं, पर्चा देख के सब कुछ बता देते हैं सामने। हाँ, ये है, शक्ति नहीं है। इनके पास मंत्र हैं, ये मंत्रों पर काम करते हैं। आप क्यों नहीं करते? वो मंत्र हम वो जो है वो क्यों नहीं करते, क्या उनमें कोई तत्व नहीं है? ये उस पर आदमी को गुमराह करके और
कि तुझे स्वर्ग मिल जाएगा, तुझे नरक मिलेगा, ऐसा जो मत देख आए हो। ऐसा बंधु, इनके ये तौर तरीके हैं लूटने के, और अगर ये इस तरह का फैलाव नहीं करेंगे तो इनके आने वाले उस पर कौन तो चढ़ाएगा। मंदिर बन रहा है, देखो सब मजबूत हो रहे हैं हिंदू। हाँ, मंदिर वो मंदिर से मजबूत हो जाएंगे और क्या। हाँ, तो वो शक्ति मानते होंगे। 2500 करोड़ का बनाया बजट योगी जी ने, उसका कुंभ का। हाँ, 2500 करोड़ का। हाँ, करोड़ का पैसा है, उसका दुरुपयोग ये पहले से भी करते आए हैं। अब धीरे धीरे हम लोग बौद्धिस्ट लोग अपनी मांगे उठाने लगे हैं, और हिंदुओं को कमजोर कर रहे हो आप। अब कमजोर कर रहे हैं, हम तो अपने को जो है जीने के, भाई इंसानों की तरह हमें भी जीने दो।